तक दीपक गहलावत ने अपने कार्यालय के बाहर एक घंटे का जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान दर्जन भर से अधिक समस्याएं लोगों ने एसपी साहब के समक्ष रखी। कुछ शिकायतों का तो मौके पर ही समाधान कर दिया गया और कुछ शिकायतकर्ताओं को आगे का आश्वासन दिया गया। पलवल एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कार्यालय से बाहर आकर लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही शिकायतकर्ता भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया है। एक एक शिकायतकर्ता को कार्यालय के अंदर बुलाने पर समय अधिक लग जाता था। कई बार तो कुछ लोगों की शिकायतें बगैर सुने ही रह जाती थी, जिससे लोगों में निराशा पैदा होती। जनता दरबार लगाकर उनके समक्ष ही शिकायतें सुनने से समय की बचत हो जाती है और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा होती है। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों को संबंधित थाना व चौकी प्रभारियों को भेज दिया गया। संबंधित थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए समाधान किया जाए, साथ ही साथ लोगों से तालमेल रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से उनकी समस्याएं सुने और समय रहते उनका समाधान करे, जिससे पुलिस व आम जनमानस के बीच तालमेल बना रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो सके। वहीं शिकायतकर्ता मांगेराम कटारिया ने बताया कि एसपी साहब की यह अच्छी पहल है कि वह स्वयं कार्यालय से बाहर आकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और अधिकतर शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है। वह भी अपनी एक शिकायत लेकर एसपी के पास आए हैं, जिसको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सुना और मौके पर ही समाधान कर दिया। अधिकारी द्वारा इस तरह से लोगों से रूबरू होने से आम जनमानस व पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल बना रहता है और एक विश्वास की भावना पैदा होती है। जनता को जनता दरबार लगाते हैं एसपी साहब 11 से 12, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। मैं भी अपनी शिकायत लेकर आया था, मेरी शिकायत हल कर दी, बहुत हल कर दी, पब्लिक खुश होकर जाती है। ऐसा एसपी तो पलवल के लिए बहुत जरूरी चाहिए। हम तो बराबर बार बार ये कहते हैं कि ऐसा एसपी पलवल को नहीं जाना चाहिए, दीपक गहलावत जैसे। अपनी जनता दरबार लगाते हैं वो अच्छा लगता है, ऑफिस में तो बहुत देर हो जाती है। साहब एसपी साहब जनता दरबार में बड़ी शांति से सुनते हैं, जब तक मतलब लोगों को लाभ 90% लाभ हो रहा है। जनता दरबार कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे माननीय गृह मंत्री भी आप देखते होंगे कि अक्सर अपने जो शिकायत करता है वो इसी माध्यम से सुनते हैं, तो उनके द्वारा भी आदेश अभी आए हैं हमारे पास कि प्रत्येक एसपी अपने ज़िले में 11 से 12 बजे तक जनता दरबार के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सुनेगा। तो लेकिन हम इससे पहले ही से ही अपना ये कार्यक्रम शुरुआत कर रखी थी, जिससे कि थोड़ा शिकायतकर्ता को हम जल्दी सुन पाते हैं और वहीं इमीजिएट हमारे साथ में हमारे पुलिस की टीम होती है, उनको इमीजिएटली निर्देश दे देते हैं कि इसको क्या कार्रवाई करनी है, उनको अच्छे से उनको सेटिस्फाई किया जाता है ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स का है पता टाइमली और अच्छे से हो सके। पहले से लोगों में भी अच्छा फीडबैक आ रहा है, जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या है तो लोग तारीफ करते हैं, तो आगे भी उसको जारी रखेंगे और इसको कुछ बेटर कर पाएंगे। तो इसका लोगों से उम्मीद करें, इसको सुझाव देना हो तो हमें सुझाव दें इसके प्रति, ताकि सबसे जो मेन काम है लोगों का सेटिस्फेक्शन होना, उनका कंप्लेंट्स का जल्दी डिस्पोजल होना।